Good morning, dear children. How are you all? Hope you are doing good. Today we will read chapter 4 of Vistas, CBS English book class 12. The title of the chapter is The Enemy and its author is Pearl so uh, Let's know something about the author first. Pearl S. Burke was born on June 26, 1892, in Hillsboro, West Virginia. In 1930, she published her first novel, East Wind, West Wind. And she also won a Pulitzer Prize for her book, The Good Earth. And in 1938, she became the first American female Nobel laureate. Concurrent with her writing career, she started the Pearl S. Buck Foundation, a humanitarian organization. She was active in humanitarian efforts to protect Asian Americans against racial intolerance by increasing awareness she also worked to improve the living conditions of asian american, especially children. pearl died of cancer on march 6, 1973, in danby, vermont. today she continues to be regarded as a legendary american writer and humanitarian. so my dear children, pearl S. burke, the author of the chapter. she is known as a great humanitarian and she has written the story, the enemy. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी हेयर बिफोर यू रीड इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर ये जो कहानी है ये वर्ल्ड वॉर के समय की लिखी हुई है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसे ग्लोबल ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है और इसके अंदर इसमें जो खास बात क्या हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कि इसमें सिर्फ आर्मी के लोग ही नहीं बल्कि सिविलियंस कॉमन पीपल भी इसका शिकार हुए थे वैसे तो वॉर में सब आर्मी जो है वो लड़ती हैं लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आम लोगों को कॉमन पीपल को भी इन्वॉल्व कर लिया गया था तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो एक ऐसा जो द्वितीय महायुद्ध है ऐसा एक वॉर था जिसने दुनिया के अंदर जीवन के हर पहलु को बदल के रख दिया था तो ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज डाइंग स्टेट एंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जैपनीज डॉक्टर इस कहानी में क्या होता है कि एक अमेरिकन प्रिजनर uh, है जो युद्ध में से भाग आया है बचकर भागा है और वो मरने जैसी हालत में है कि इज इन अ डाइंग स्टेट और वो किसी तरीके जो है समुद्र के रास्ते से होता हुआ वो वहां पर समुद्र के किनारे पर एक डॉक्टर है तो जैपनीज डॉक्टर जापान के हैं तो आपको पता भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो जापान और अमेरिका के बीच में हो रहा था उस समय वहाँ पर दो पावर्स हो गई थी फर्स्ट पावर ऐसी हो गई थी एक्सेस पावर जिसमें कि जर्मनी इटली जापान हंगरी रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश थे और एक सेकेंड पार्टी सेकेंड पावर जो थी वो थी जिसमें कि यूएस ब्रिटेन फ्रांस नॉर्वे पोलैंड जैसे देश थे तो यहाँ पर ये जैपनीज डॉक्टर की बात हो रही है कि वो जैपनीज के दरवाजे के पास उनके घर के पास आ गया था कौन आ गया था अमेरिकन प्रिजनर शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पेट्रीओ तो यहाँ पर वो पर्लेस बग कहती हैं कि आप आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर है उन्हें एज ए डॉक्टर उस व्यक्ति को जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए उसका इलाज करना चाहिए उसे बचा लेना चाहिए या फिर उसे एक राष्ट्र भक्त भक्त एक देशभक्त होने के नाते आर्मी को सौंप देना चाहिए तो वो ऐसा जानना चाहते हैं कि क्या इस जब एक व्यक्ति इस सिचुएशन में होगा तो वो क्या करेगा तो लेट्स रीड द स्टोरी वी स्टार्ट इट डॉक्टर सिदाओ हॉकी हाउस वॉज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ द जापानीज़ कोस्ट, वेयर एज ए लिटिल हैड ऑफ प्लेड डॉक्टर है तो डॉक्टर सिदाओ हॉकी का जो घर है वो जैपनीज कॉस्ट समुद्र के किनारे पर बना हुआ है वेयर एज ए लिटल बॉय ही हैड ऑफ प्लेड जहां पर बचपन में वो अक्सर खेला करते थे उसी समुद्र के किनारे पर द लोस्ट व्य स्टोन हाउस वॉज सेट अपन रॉक्स वेल अब अरोट वॉज आउटलाइन विद पाइंस तो जो उनका घर है वहां पर पहाड़ है चट्टाने हैं जहां पर वो घर बना है और वहां पर जो उनके घर के चारों तरफ क्या है पाइन्स के पेड़ है पाइन ट्रीज हैं चीड के पेड़ होते हैं जो एज अ पॉइ सो है पाइंस जब छोटे लड़के थे सडाओ बचपन में तो वो पाइन ट्रीज पर चढ़ा करते थे वो याद कर रहे हैं यहाँ पर अपने पास्ट को याद कर रहे हैं सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिम सेल्फ फीट वो नंगे पाओ पेड़ पर चढ़ा करते थे एज ही हैड सीन डू इन द साउथ सीज ऐसा उन्होंने साउथ सीज के वहां पर रहने वाले लोगों को करते हुए देखा था वेन दे क्लाइंट फॉर कोकोनट्स जब वो साइथ साउथ में रह रहे थे तब तो वहां देखा था कि किस तरह से लोग जो हैं नारियल के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं नंगे पाओ तो बस वहीं से सडाओ ने देखकर सीख लिया था तो हिज फादर है आईलैंड ऑफ दो सदाओ के फादर अक्सर उन्हें उन आइलैंड्स की ओर ले जाते थे उन द्वीप की ओर जो समुद्र के बीस आईलैंड आप समझते हैं ये लैंडमैस इन द ओशन एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड और वो सदाओ को ये बताना कभी नहीं भूलते थे दोज आइलैंड्स जोंडा वो आइलैंड्स देख रहे हो दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान और वो बताते थे कि सदाओ को तुम्हें मालूम है कि जापान का भविष्य जो है वहीं से स्टार्ट होने वाला है वही, जो आइलैंड्स हैं वो तय करेंगे कि जापान का भविष्य क्या है वे शेल वी स्टेप फ्रॉम देम सदाओ है डास सीरियसली सदाओ टुक कीन इंटरेस्ट वट हिज फादर यूज टू टेल हिम तो सडाओ बहुत ही तल्लीनता से सुनते थे और फिर उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि वे शेल वी स्टेप फ्रॉम देम वहां से हम कहाँ जाएंगे वो हमारा भविष्य कहाँ लेकर जाएंगे तो फादर ने आंसर किया कि हु नोस पापा ने कहा कि कौन जानता है हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट तो पिताजी ने कहा कि कौन जाने कहाँ पर जाएगा भविष्य जापान का हमारे जो हमारा फ्यूचर है उसकी लिमिट कौन तय करेगा कौन तय कर सकता है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट ये तो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा बनाते हैं तो इस लाइन में एक बहुत डीप uh, मीनिंग है माई डियर चिल्ड्रन कि जहाँ पर वो बताते हैं कि हमारे जीवन में हमारा भविष्य कौन तय करता है हम ही तो करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं हम अपनी लाइफ को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं तो ही इज सेइंग दैट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट सदाओ हैज माइंड एज ही डिड एवरी थिंग इज फादर सेट सदाओ ने अपने पिताजी की बताई हुई इस बात को अपने मन में बिठा लिया बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने पिता की बताई हुई हर बात को बड़े ध्यान से सुनते और उन्हें उसे अपने मन में रख लेते थे हिज फादर हु नेवर जॉग्ड और प्लेड विद हिम बट हुट इन फाइन आइट पेन्ज अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन सदाओ जो है वो अपने फादर के इकलौते बेटे थे और उनके पिताजी जो थे उनके फादर उन्होंने सदाओ के साथ इतना हंसी मजाक या खेलकूद नहीं किया होगा जितना कि जीवन में उन्होंने अपने बेटे के लिए दर्द झेले दुख झेले होंगे हर कोई पेरेंट्स करता है अपने जो कॉम्फर्ट्स हैं उनको सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों के लिए सबको पेरेंट्स करना चाहते हैं तो वैसे ही सदाओ के पेरेंट्स सदाओ के फादर भी ऐसा ही सोचते थे सदाओ सदाओ भी अंदर से जानते थे कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो उनके पिताजी का चीफ कंसर्न है उनके फादर की सबसे बड़ी चिंता थी सदाओ को पढ़ाना लिखाना क्योंकि जो टाइम था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था और उस समय फादर को ये लगता था कि मैं अपने बेटे को क्योंकि एक ही बेटा था उनका कि मैं उसे अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊं और वो सदाओ को एक जाना माना डॉक्टर बनाना चाहते थे फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन तो यही कारण था कि उन्होंने सदाओ को 22 इयर्स जब वो 22 साल के थे तो उनको अमेरिका भेज दिया ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जान सके से वापिस आई तो उनकी उम्र कितनी हो चुकी थी तीस साल की तो so, जब वो गए थे तो वो बाईस साल के थे तो so, लगभग आठ साल के बाद वो वापिस आए लेकिन जब वो वापिस आई तो अपने पिता के मृत्यु से पहले अपने पिता के देहांत से पहले डॉक्टर सडाओ एक जाने माने एक फेमस सर्जन ना बल्कि एक फेमस सर्जन बल्कि एक ग्रेट साइंटिस्ट भी बन चुके थे तो उनके पिता का सपना उन्होंने पूरा किया बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर एंटायरली क्लीन ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद्रूप्स अब क्योंकि डॉक्टर सडाओ एक ऐसी दवा की खोज कर रहे थे डिस्कवर कर रहे थे एक ऐसी दवा जिससे कि जिसे लगाने से जो है जो जख्म है वोन्स वो एंटायरली क्लीन हो जाएंगे वो अंदर तक साफ हो जाएंगे और फिर कभी नहीं होंगे ऐसी एक दवा की खोज कर रहे थे तो यही कारण था कि डॉक्टर सडाओ को जो है सेना की टुकड़ी के साथ नहीं भेजा गया था और उन्हें जापान में ही रखा गया था

तो ऐसी कंडीशन में उन्हें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती थी जिनका इलाज जो है डॉक्टर सदाओ ही कर रहे थे तो बस इसी पॉसिबिलिटी के चलते जो है सडाओ को जापान में ही रखा गया और उन्हें सेना की टुकड़ी के साथ नहीं भेजा गया था तो आगे चलते क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ अब वो प्रेजेंट में आ गए हैं कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं जहां पर वो स्टोरी सुना रहे हैं पर्लेस कि समुद्र के ऊपर जो है बादल छा गए थे द अनएक्सपेक्टेड द पास्ट फ्यू डेज द कोल्ड वेव्स इतने दिनों से जो है काफी गर्मी पड़ रही थी लेकिन ठंडी हवाएं जो है ठंडी लहरें समुद्र की वो वहां पर एक अच्छा मौसम बन गया था और अपने साथ साथ भारी जो है कोहरा भी लेकर आई थी तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था सडाओ वाइन्स ऑफ अटल आईलैंड नियर द शोर एंड देन ऑफ द बीच बिलो द हाउस रीदिंग अराउंड वहां पर अपने घर के बाहर ही खड़े हैं और वो देख रहे थे कि किस तरह से जो फॉग थी जो कोहरा था वो उस छोटे से द्वीप को उसने ढक लिया था और वहां पर जो वो कोहरा था वो धीरे धीरे सडाओ के घर की और भी बढ़ रहा था रीदिंग अराउंड द पाइंस और वहां पर चारों तरफ जो पाइन ट्रीज थे उनको भी अपने जो है इन्वॉल्व करता उनके अपने बीच में लेता हुआ कोहरा आगे घना होता जा रहा था इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू और कुछ ही मिनटों में वो कोहरा डॉक्टर सदाओ के घर तक पहुंचने वाला था देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर आर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम टू चिल्ड्रन डॉक्टर से सोचते हैं कि थोड़ी देर वहां रुकेंगे और फिर वो वापस अपने रूम में चले जाएंगे जहां पर उनकी वाइफ है ना और उनके बच्चे उनके दो बच्चे हैं जो उनका वेट कर रहे हैं तो वो ऐसा सोचते हैं बट एट दिस मोमेंट शी लुकड आउट और उसी समय क्या हुआ कि दरवाजा खुला और शी लुकड आउट शी कौन है यहाँ पर उनकी वाइफ है हैना है ने बाहर देखा अडार्क वुलन अडार्क ब्लू वुलन हॉरी ओवर किमोनो क्योंकि ना एक जैपनीज लेडी है तो जैपनीज जिस तरह से किमोनो पहनते हैं किमोनो तो ऐसे ही हैना ने किमोनो पहना हुआ है और उसके ऊपर उसने पहनी हुई है डार्क ब्लू वुलन हॉरी उनका बना हुआ है, एक, एक आउटर गार्मेंट पहना है लूज गार्मेंट तो इस तरह से जो है हैना भी बाहर आ गई शी केम टू हीटली एंड पुट अर थ्रू हिस्स एज ही स्टोड जब वो वहां खड़े थे डॉक्टर सिडाओ तो बहुत ही प्यार से हैना वहां पर आई और उसने जो है वो डॉक्टर सडाओ के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई स्माइल्ड एंड सेड नथिंग लेकिन कुछ कहा नहीं हैड मेट हैना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विदिल वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज माई डियर चिल्ड्रन जो डॉक्टर सिडाओ हैं वो उनकी पहली मुलाकात हैना से uh, जो है वो जब हुई थी तो उस समय वो काफी अट्रैक्ट हो गए थे है ना की और लेकिन अपने इन इमोशंस को दिखाने से पहले उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि वो पहले जान लेंगे कि वो जो लड़की है वो जैपनीज है या नहीं क्योंकि उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि जो डॉक्टर सडाउ हैं वो एक जैपनीज लड़की से ही शादी करेंगे और आपको तो पता है कि डॉक्टर सिडाओ जो है वो बहुत ही ओबिडियंट सन थे अपने पापा के तो वो अपने पिता की मर्जी के अनुसार ही अपनी शादी करना चाहते थे इसलिए किसी लड़की से फ्रेंडशिप करने से पहले भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया हिज फादर वुड नेवर हैड बीन प्योर इन हर रेस तो डॉक्टर सिडाओ के पिता डॉक्टर सिडाओ को कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देने वाले थे अगर वो लड़की जो है वो उनकी कास्ट की नहीं होती तो

वो बहुत ही कैजुअल वे में हैना से मिले थे कहाँ पर मिले थे वो एक आ, अमेरिका में एक प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर के घर में ही उनकी पहली मुलाकात हैना से हुई थी द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर द फ्यू फॉरन स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस प्रोफेसर और उनकी वाइफ वो उन बच्चों के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फॉरेन कंट्रीज से आते थे तो उनके लिए वो काफ़ी एंशियस थे उनके लिए काफ़ी कंसर्न थे और जो स्टूडेंट्स थे दूसरी तरफ क्या था कि जो स्टूडेंट्स थे ना वो मोस्टली uh, उनसे बोर हो जाते थे हस्बैंड वाइफ से बट हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस लेकिन फिर भी वो uh, उनके घर रहते भी थे और वहां खाना भी खाते और उनकी बातें भी सुनते थे तो क्यों सुनते थे क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे उनका नेचर बहुत अच्छा था वो दयालु थे और सभी के साथ वो बहुत ही अच्छा बिहेव करते थे इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो हैं, उनके उनके साथ बोर होते हुए भी वहां पर रहना पसंद करते थे सडाओ हैड ऑफन टोल्ड है ना, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉर्न टू प्रोफेसर हार्लिज हाउस दैट नाइट सदाओ याद करते हैं जब पहली मुलाकात हुई थी हैना से तो वो कभी कभी हैना को बताते भी हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे उस रात को प्रोफेसर हार्ले के घर जाना तो यहाँ पर प्रोफेसर कौन है प्रोफेसर हार्ले एंड मिसेस हार्ले जिनके यहाँ वो रहते थे द रूम्स वर सो स्मॉल कमरे बहुत ही छोटे थे द फूड सो बैड और खाना भी कुछ इतना अच्छा नहीं होता था द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल और वो बताते हैं कि प्रोफेसर मिसिज हार्ले जो थी प्रोफेसर की वाइफ वो बहुत ही वॉल्यूबल थी वॉलीबॉल का मीनिंग क्या है बहुत टॉकेटिव थी बहुत बातें करती थी बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड है ना। ना चाहते हुए भी डॉक्टर सदाओ उस रात वहां पर गए थे और वहां पर हैना से मुलाकात हुई अ न्यू स्टूडेंट एंड ऑल पॉसिबल और देखते ही वो उसकी और अट्रैक्ट हो गए थे और मन में सोच लिया था कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो जो है आ, उससे फ्रेंडशिप कर लेंगे और यहाँ पर वो ये बहुत ही देखने वाली बात है किस तरह से पहली मुलाकात में ही डॉक्टर सदाओ के मन में आता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो तो वो उस लड़की से फ्रेंडशिप कर लेंगे जिससे वो आगे चलकर शादी कर सके नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम अब प्रेजेंट में आ जाते हैं कि जब ये कहानी सुना रही हैं पल्लसबर्ग बता रही हैं कि कैसे जो है डॉक्टर सडाओ वो समुद्र के किनारे बने हुए अपने घर में बाहर खड़े थे और मौसम को देख रहे थे है ना तो अब वो यहाँ पर बताते हैं कि हैना भी आ गई थी तो उसने आकर जो है डॉक्टर की बाहां में डालकर खड़े हो गई एंड इवन दो दे हैड बीन मैरिड है ना ऑफ टू हैव द टू चिल्ड्रन और यहाँ पर वो ये बताते हैं कि डॉक्टर सडाओ ने जब हैना का हाथ अपने हाथ पर महसूस किया तो वो जान गए कि उन्हें इस बात से कितना अच्छा लग रहा था हैना का साथ उन्हें कितना अच्छा लगता था हालांकि उनकी शादी को बहुत साल बीत गए थे उनके दो बच्चे भी थे बट उनका जो रिलेशनशिप था उनकी जो बॉन्डिंग थी हस्बैंड वाइफ की बहुत ही स्ट्रांग थी और आपस में वो दोनों बहुत ही प्रेम से वहां पर रहते थे फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका क्योंकि उन्होंने अमेरिका में रहकर हीडलेसली का मीनिंग क्या है केयरलेसली उन्होंने केयरलेसली कुछ भी नहीं किया था अपनी शादी को लेकर उन्होंने लापरवाही नहीं की थी दे हैड हैड वर्क एट स्कूल एंड हैप्पी शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म तो बताते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की थी क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ थे वो एक जैपनीज थे और जो हैना है वो एक आ, वो वहां पर अमेरिका में पढ़ रही थी और वो भी एक जैपनीज ही थी लेकिन सब कुछ जानने के बाद ही डॉक्टर सुडाओ ने उससे फ्रेंडशिप की उसके बाद उन्होंने स्कूलिंग खत्म की और फिर वो जापान अपने घर आ गए अपने पिताजी से बात की और उनके पिताजी ने हैना को देखा और सारी बातचीत करके जो है उन्होंने उनकी शादी करवा दी और पूरे जैपनीज रीति रिवाज के साथ अब हालांकि सदाओ और है ना जो है वो पहले मिल चुके थे और सब कुछ पहले ही तय कर चुके थे लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्टर सडाओ एक ऑबिडियंट सन थे और अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फादर पर डाल दी तो दोनों बहुत ही खुश थे और अब हम देखते हैं कि शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिजाम है जब हैना डॉक्टर सडाओ के पास आकर खड़ी हुई थी तो बड़े प्यार से उन्होंने अपना गाल जो है सडाओ की बाजू पर रख दिया इट वॉज एट दिस मोमेंट तो उसी समय क्या हुआ दैट बोथ ऑफ देथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ दिस्ट दोनों ने ही देखा कि जो फॉग थी ना वहां पर कोहरा छाया हुआ था उस कोहरे में से एक काली सी परछाई आती हुई दिखी इट वॉज अ मैन और परछाई देखकर उन्हें एकदम से लगा कि ये तो कोई आदमी था ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ ओशन वो समुद्र की ओर से आ गया था फ्लंग हाँ फ्लंग ही कहेंगे क्योंकि वो अचानक से दिखाई दे गया था वहां पर ऐसा लगता था उनके चलने के स्टाइल को देखकर कुछ कदम वो हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट और वो जो आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी उनका जो शरीर था वो कोहरे में छिपा हुआ था हिज आर्म्स अबव हिज हेड और सर के ऊपर उनकी बाजू नजर आ रही थी his दर्ल्ड मिस्ड हिड हेम अगेन फिर से वो परछाई जो थी फॉग में छिप गई हुट है हैना क्राइट एकदम हैना बोली देखकर कौन है वहां पर शी ड्रॉप सदाओ जाम उन्होंने जो है डॉक्टर सदाओ की बाजू छोड़ दी जल्दी से एंड दे बोथ लीं ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरनाडा और वो रेलिंग से जो है झुक कर देखने लगे नाउ दे सॉ हेम अगेन अब एक बार फिर से नजर आई वो परछाई द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग तो माय डियर चिल्ड्रन पता उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि वो जो आदमी था वो अपने घुटनों के और अपने हाथों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर फिर उन्होंने देखा कि वो आदमी अचानक से जो है वो अपने चेहरे के बल गिर गया था वहीं पर ऑफिसर मैन परहैप्स सडाउ सेड सडाउ ने कहा कि कोई मछुआरा हो सकता है क्योंकि वो वहां पर सी था तो सी पे जो किनारे वहां पर काफी मछुआरों के गांव भी थे जहां पर सदाओ का घर बना हुआ था तो डॉक्टर सदाओ ने कहा कि हो सकता है कोई फिशरमैन होगा वहां पर वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट जो अपनी नाव से जो है बहकर वहां पर आ गया होगा ही रैन क्विक ले डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हेना केम और जल्दी से डॉक्टर सदाओ जो है सीढ़ियां उतर के नीचे की ओर गए और हेना भी उनके पीछे-पीछे आ गई हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग अपनी बाहें फैलाई हुई माइल और टू अवेडिंग या दो मील की दूरी पर वहां पर कुछ मछुआरों के गांव थे राव और हैना का घर था वो समुद्र का एक ऐसा वो किनारा था जो की काफी सुनसान रहता था डेंजरस विद रॉक्स और काफी खतरनाक भी था द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक् विद रॉक्स और जो आ, बीच का जो, जो बीच का हिस्सा था ये सारा चारों तरफ से चट्टानों से गिरा हुआ था सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू इन चट्टानों में से सम, जो है निकलता हुआ वो आदमी किसी तरीके से वहां पर पहुंच गया था मस्ट बी बैडली टॉन और हाँ उसकी हालत बहुत ही खराब थी दे सॉ वेन दे केम टू वॉर हिम दैट इन डीड इट वॉज सो और उन्होंने जब उसके पास आ गए उसको देखा अच्छे से तब उन्हें यकीन हो गया था कि हाँ वो बहुत ही बुरी हालत में था सैंड ऑन वन है काफी रेत लगी हुई थी और वहां जहाँ रेत लगी थी वहाँ पर कलर से भीगा हुआ था, सारा गीला भी था वो तो इज uh, wounded, सदाओ एक्सक्लेम्ड. सदाओ ने देखा और एकदम से कहा कि ये तो जख्मी है ही मेड haste टू द मैन हु ले मोशनलेस वो बिल्कुल बहुत जल्दी से उस आदमी के पास गए जो बिना किसी मूवमेंट के वहां पर लेटा था हिज फेस इन द सैंड क्योंकि चेहरे के बल गिरा था तो उसका चेहरा भी जो है जमीन की ओर ही था एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर एक पुरानी कैप थी उसके सर पर और जो पूरी तरह से पानी से भीगी थी ही वाज इन वेट ट्रैक्स ऑफ गारमेंट्स और उसके कपड़े भी जो है कुछ ज्यादा अच्छी हालत में नहीं थे फट चुके थे सडाओ स्टॉप्ड सडाओ रुके हैना एट हिज साइड और हैना भी उनके साथ ही थी एंड टर्न द हेड और उन्होंने उस आदमी का चेहरा जो है घुमा कर देखा दे देखने पर उन्हें क्या पता चला कि वो कौन था अ वाइट मैन वो एक अमेरिकन था एक गोरा आदमी था हैना विस्पर्ड हैना ने धीरे से कहा अ व्हाइट मैन यस इट वॉज अ वाइट मैन हाँ ये एक वाइट मैन ही था दिल अवी एंड देर वॉज हिज बेट जेलो हेयर उसकी जो कैप थी वो गिर गई और उसके जो बाल थे वो भी जेलो कलर के थे एज दी वीक्स इट है ऐसा लगता था कई हफ्तों से उनके बाल जो है वो काटे नहीं गए थे एंड अबॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड और उसका वो एक यंग मैन था और उसका जो फेस था वो काफी वहां पर भी चोट के निशान थे टॉर्चर्ड फेस था तो उनकी जो दाढ़ी थी वो भी येलो कलर की थी

छूने भर से ही वहां से जो है खून बहने लगा ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सडाओ सॉ देट ए गन वोट है उसकी कमर के पास से सडाओ ने यह देखा कि वहां पर एक Uh, गोली से बना हुआ जख्म था उसे गोली लगी थी जो कि फिर से ओपन हो गया था द फ्लैश वॉस ब्लैक एंड पाउडर और पहले ही उस पर uh, काफी रेत और वगैरह लगी थी तो वो जो uh, मास्क था उसका वो काफी काला पड़ गया था नॉट डेज अगो द मैन हैड बिन शॉर्ट एंड हैड नॉट टेंडेड तो डॉक्टर सदाओ काफी एक्सपर्ट थे तो उन्हें पता चल गया था कि कुछ समय हुआ था हाँ ज्यादा दिन नहीं हुए थे उस आदमी को गोली लगी थी जिसका कि इलाज नहीं हो पाया था से कोई चट्टानी होगी तो उनका जख्म और वहां से जो है खून बहने लगा ओह हाउ हीना बहुत उदास होकर बोली कि देखो कितना जो है खून बह रहा है द मिस्ट क्रीन देम नाउ कंप्लीटली और पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि डॉक्टर सडाओ को लग रहा था कि वो सारा जो फॉग थी जो मिस्ट थी कोहरा वो उनके घर की ओर बढ़ रहा था तो जब तक वो उस व्यक्ति को देख रहे थे इतने में कोहरा आ गया था आगे तक और उनको भी साथ में छिपा लिया था एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय और दिन का ये वो समय था जब वहां आसपास कोई आता जाता नहीं था

डॉक्टर सदाव अपने मन ही मन बड़बड़ाए और बोला कि इस आदमी के साथ हम क्या करें और उन्होंने अपने हाथों से उसके जो खून बह रहा था उसको रोकने की कोशिश भी वो करना चाह रहे थे ही तो उसके लिए उन्होंने क्या किया ही द दून विद द बीच वहां पर बच्चों आपको भी पता है कि समुद्र के पास किनारे पर जो पानी होता है पानी के अंदर जो काई जैसा कुछ होता है जो हरे हरे पौधे से होते हैं नरम और वो उन्होंने ले लिए से और उसके जख्म पर उसको अच्छे से लगा दिया The man with pain. वो जो आदमी था उसे काफी दर्द हुआ वो करहाने लगा इन हिज पर अपने अनकॉन्शियसनेस में अपनी बेहोशी में बट ही डिडेंट अवेकन लेकिन वो उठा नहीं वो एक यंग आर्मी uh, uh, जो था प्रिजनर था वहां का वॉर प्रिजनर था एक यंग मैन था उसे दर्द तो महसूस हुआ लेकिन वो उठ नहीं पाया द बेस्ट थिंग हिम सेल्फ अब हमने देखा था कि सदाओ अपने आप ही बड़बड़ाए थे कि इस आदमी का क्या करें तो यहाँ पर वो अपने आप को ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि सबसे अच्छी बात रहेगी कि हम इसे वापस समुद्र में डाल दें समुद्र में फेंक दें

बिल्कुल यही ठीक रहेगा अनडाउटेडली अनडाउाउटेडलीट वुड बी बेस्ट इसमें कोई डाउट नहीं है बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द दोशन लेस लेकिन ऐसा कहते हुए भी जो जो है 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 ना वो उस उस बिना मूवमेंट के आदमी पर उनको देखती रही बड़े गौर से इफ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न ओवर एज अ ही वुड सर्टेनली डाई सडाउ सेड सडाउ ने कहा अपनी वाइफ हैना से कि अगर हम इस गोरे आदमी को अपने घर में रखेंगे तो हमें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि वॉर टाइम था और वो एक प्रिजनर था तो अगर हम इस प्रिजनर ऑफ वॉर को जो है अपने घर में ले जाएंगे और अपने घर में रखेंगे तो हमें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और दूसरी और वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो इस प्रिजनर को हैंडओवर कर देंगे तो आर्मी को दे देंगे तो निश्चित ही वो मारा जाएगा क्योंकि वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे वो एक दुश्मन की सेना का आदमी था तो वो बचने नहीं वाला था अगर डॉक्टर सडाओ उसे आर्मी को सौंप देते डॉक्टर सडाओ सोच रही थी दोनों ही चीजों के बारे में कि कैसे करेंगे और क्या उसका नतीजा होगा द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी अब हैना ने कहा हैना सेट कि सबसे अच्छी बात उनके लिए क्या रहेगी कि वो उस आदमी को जो है वापस समुद्र में डाल दें यहाँ पर काइंडेस्ट थिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ दे आल्सो वांट टू बी काइंड प्रिजनर हेयर बट नीदर ऑफ देम मूव्ड लेकिन वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं उसे समुद्र में फेंकने के लिए कोई अपनी जगह से नहीं हिला वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर वो उसको बड़े गौर से देख रहे थे और मन ही मन वो उसका उसकी तरफ काफी दयालु भी थे और उसके उसको गौर से देख रहे थे इनर्ट फिगर क्या है मोशनलेस फिगर ऑफ द मैन लाइंग देयर वॉट इज ही है पूछा धीरे से ये है कॉन देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन सडाओ सेट सडाओ ने कहा इसे देखकर तो लगता है कि यह अमेरिकन है टू कब द बैटर्ड कैप और वो जो आ, उनकी जो कैप थी प्रिजनर की उन्होंने उठाकर देखा येस देअमोस्ट गॉन वॉज अ फेंट लैटरिंग

एंड वाई हैना ने बड़े आराम से लेकिन बड़ी ही उत्सुकता से कहा कि ये बचकर भागा हुआ है इसीलिए ये जख्मी है इन द बैग सडाउ ग्रीड सडाओ भी मान गई उनकी हैना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ इसकी कमर में चोट है दे हैसीटेटेड लुकिंग एट ईच अदर एक दूसरे की ओर देखने लगे काफी संकोच में थे देन हैना सेट विद रेजोल्यूशन फिर हैना ने रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन मीन्स बड़े दृढ़ निश्चय के साथ आ, डिसाइड करते हुए कहा कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू सी उसने कहा कि देखो क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों जो है इसे समुद्र में वापस डाल देते सडाओ ने कहा कि इफ आई एम एबल सडाओ यहां पर अपने आप को अनेबल महसूस कर रहे हैं कि वो एक जख्मी आदमी को बिना इलाज के समुद्र में कैसे फेंक सकते हैं एक डॉक्टर होने के नाते उनका जो डॉक्टर का ऑक्यूपेशन है वो उन्हें अलाउ ही नहीं करता कि वो किसी पेशेंट को किसी जख्मी आदमी को मरता हुआ छोड़ दें तो यहां पर वो कहते हैं कि अगर मैं कर सका तो क्या तुम कर सकती हो आर यू नो हैना इफ यू कैन डू इट अलोन हैना ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती लेकिन अगर हाँ तुम अकेले इसे फेंक दो तो सडाओ so, सडाओ so, फिर से संकोच में आ गए क्यों आ गए क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहते थे द स्ट्रेंज थिंग इज ही said. आगे उन्होंने कहा कि अजीब बात तो ये है दैट इफ द मैन I होल आई him हिम ओवर टू police विदाउट डिफिकल्टी कि अगर ये आदमी भला चंगा होता इसे कोई जख्म नहीं होता या मरने की हालत में नहीं होता तो मैं इसे बिल्कुल डेफिनेटली मैं इसे आर्मी को सौंप देता पुलिस को दे देता आई केयर नथिंग फॉर हिम मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता he is my enemy. ही इज माई एनिमी दुश्मनी तो है ये ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी और सब अमरीकी जो है मेरे दुश्मन हैं एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो और ये तो एक आम आदमी है यू सी हाउ फुलिश फेसेस और बहुत ही घृणा दिखाते हुए बहुत दिखाते हुए डॉक्टर ने कहा कि देखो इसका चेहरा देखो कैसा दिखता है बट सिंस ही इज वेड लेकिन लास्ट में डॉक्टर सदाव उससे नफरत नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं कि पर देखो ना कैसे कितना जख्मी है ये यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू दी हेना को पता चल गया था कि डॉक्टर सिदाओ उसे अब वापस समुद्र में नहीं फेंकने वाले थे तो उन्होंने कहा कि तुम भी इसे फेंक नहीं पाओगे तुम भी नहीं फेंक सकते इसे समुद्र में वापस नहीं छोड़ सकते देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस कि हम इसे अपने घर ले चले तो आप देखते हैं कि यहां पर इन लाइंस में इस कहानी को पढ़ते समय हमने यह देखा कि डॉक्टर सडाओ और उनकी वाइफ वो दोनों ही बहुत काइंड नेचर के हैं दोनों ही तरफ से काइंड नेचर के हैं एक तो उनका जो डॉक्टर का पेशा है वो उन्हें अलाउ कर अलाउ नहीं करता है किसी आदमी को मुसीबत में ऐसे जख्मी हालत में छोड़ देना और दूसरी तरफ उनका जो अपब्रिंगिंग है डॉक्टर सडाओ की उनकी जो परवरिश है जो उनके पिता ने की जिसमें आ, उनके पिता की सोच उनके पिता के विचार जिस तरह से वो अपने पिता के ओबीडियंट थे ओबीडियंट होने से ही हमें ये पता चलता है कि किस तरह से वो एक ही वॉज ए कल्चर्ड ह्यूमन बींग वो एक ऐसे इंसान थे जो मानवता में विश्वास रखते थे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ये दो चीज़ों के बीच में है एक देश के प्रति फर्ज और दूसरा मानवता के प्रति इंसानियत का नाता तो ये कहानी है इंसानियत की इंसानियत के बारे में मानवता के बारे में देश के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में तो स्पेशली जब किसी व्यक्ति के सामने कोई दुश्मन आ जाए दुश्मन सेना का आदमी तो उसके सामने क्या एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि आप उसकी हेल्प करेंगे या उसे आप मरता हुआ छोड़ देंगे या फिर आप उसे इस जख्मी हालत में अपराधी मानकर उसे सजा देने के लिए आगे सौंप देंगे तो ये एक कहानी है लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो बहुत पहले सोच विचार कर रहे हैं कि उसे वापस फेंका जाए नहीं फेंका जाए तो लास्ट में हैना जो है वो कहती है कि इसे यही ठीक रहेगा कि इसे हम घर ले चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहानी जो है उन्होंने प्रयोरिटी किसको दी है इंसानियत को इंसानियत इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है तो ये बिल्कुल किसी ने ठीक ही कहा है इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का फिर पन्ना खुलता है गीता या कुरान का तो माइडी चिल्ड्रन आगे देखते हैं क्या बताते हैं तो डॉक्टर सडाओ जो है उन्होंने ये पूछा कि बट द सर्वेंट्स उन्होंने पूछा हैना से घर ले चलेंगे इनको और लेकिन हमारे जो नौकर हैं उनके बारे में क्या क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सडाओ और हैना को अपने ऊपर तो विश्वास है कि वो उस कैदी को अपने घर में छिपा कर रख लेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन उन्हें अपने सर्वेंट्स पर नहीं है तो वो पूछते हैं डॉक्टर सडाओ का कैसे करेंगे पुलिस एज इन डीड वी मस्ट सडाओ तो हैना कहती है कि हम जो है बहुत सिंपली uh, उन्हें बता देंगे कि हमारा जो इंटेंशन uh, है वो उसे पुलिस को देने की है हम उसे पुलिस को ही सौंपेंगे एज इन डीड वी मस्ट और अपने आप को यकीन दिलाते हुए वो कहती है कि हाँ सच में हम ऐसा करने भी तो वाले हैं सदाव जब हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो हम इसे वापस ही तो उनको ही तो दे देंगे पुलिस को वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है और तुम डॉक्टर हो तुम्हारी पोजिशन के बारे में भी सोचना है ऐसा कौन कहता हैना कहती है डॉक्टर सदाओ से इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डि नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर और वो ये भी कहती हैं कि अगर हमने इसे एक युद्ध से भागे हुए कैदी की तरह इसके साथ ट्रीट नहीं किया और इसे पुलिस को नहीं दिया तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है सटिनली सडाओ अग्रीड आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स सडाओ ने भी कहा कि हाँ है ना तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मैं भी इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहा हूं द्रीड टूगेदर अग्रीड दोनों ही अग्री कर गए इस बात पर टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन और दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया ही वाज वेरी लाइट वो आ, काफी हल्का था लाइक ए फॉल किसी आ, पक्षी की तरह पंछी की तरह दैट हैड बीन हाफ स्टार्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केल्टन जैसे कि किसी पंछी को काफी दिनों से खाना खाने को ना मिला हो तो उसका शरीर उसकी बॉडी कितनी हल्की हो जाती है जिसे उठाने पर सिर्फ उसके पंख और उसकी स्केल्टन उसके जैसे मरे हुए जिस्म को उठा लिया हो ऐसा डॉक्टर सदा और सदाओना को लग रहा था हैंगिंग दे हिम द द द स्टेप्स एंड साइड डोर ऑफ हाउस उसकी बाजू लटक रही थी और ऐसे दोनों जो हस्बैंड वाइफ थी उसे उठाकर अपने घर ले आए दिस डोर ओपन इन टू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरेट द मैन टूर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम जी जो दरवाजा था जिस दरवाजे से वो लेकर आए थे वो पैसेज की ओर खुलता था और पैसेज से होते हुए वो उसे एक खाली कमरे में ले गए इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड अब जिस कमरे में वो लेकर गए थे ना वो डॉक्टर सडाओ के पिताजी का रूम था अब काफी सालों से क्योंकि उनके देहांत के बाद वो कमरा अब कोई यूज नहीं करता था तो इसलिए जो है डॉक्टर सडाओ उस कैदी को उस प्रिजनर को वहां पर ले गए अमेरिकन प्रिजनर को दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर और उन्होंने उस आदमी को वहां पर पूरे फर्श पर वहां पर मैट बिछा हुआ था उस पर लिटा दिया एवरीथिंग हेयर हैड बिन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन उस कमरे में जितना भी सब चीजें थी वो सब जैपनीज थी जो कि डॉक्टर सिडाओ के फादर को उनसे खुशी मिलती थी डॉक्टर सडाओ के फादर पूरी तरह से एक जैपनीज थे तो उनके कमरे में भी सारा सामान भी जैपनीज ही था नेवर इन हाउस ओन होम हु इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड वो अपने घर में कभी भी कोई ऐसा फर्नीचर या कोई बाहरी देश की कोई भी सामान नहीं रखते थे सिर्फ जैपनीज ही रखते थे हैना टू द वॉल वॉल कबर्स एंड स्लिप बैक आ डोर एंड टूक आउट आ सॉफ्ट क्विल्ट हैना अलमारी के पास गई और उसने वहां से एक सॉफ्ट जो है क्विल्ट निकाली सॉफ्ट रजाई सी निकाली वहां से शी हेजिटेटेड और वो थोड़ा झिझक गई थोड़ा रुक गई क्यों रुक गई होगी द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क जो रजाई उसने निकाली थी ना वो बहुत ही सुंदर थी बहुत ही फ्लावरी डिजाइन था सिल्क की क्विल्ट थी एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क और जो उस क्विल्ट के नीचे कपड़ा लगा हुआ था वो भी प्योर वाइट सिल्क का था तो है ना थोड़ा सा हैसिटेट कर कि इतने बढ़िया जो है क्विल्ट है वो एक जख्मी आदमी को कैसे देंगी जिसका कि इतना ब्लड निकल रहा था ही सो डर्टी शी मॉम ऑर्ड इन डिस्ट्रेस और वो अपने मन में बड़बड़ाई धीरे धीरे बोली कि वो काफी डर्टी uh, है काफी गंदा है येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड सदाव अ ने कहा कि हाँ बेहतर होगा कि हम इसे पहले वॉश कर लें। हॉट वाटर आई विल और डॉक्टर ने हैना से कहा कि अगर वो उन्हें थोड़ा गर्म पानी ला देंगी तो वो उसे वॉश कर देंगे to ने सदाओ से कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम इसे हाथ भी लगाओ तो वी शेल है तो मैं नौकर से कह दूंगी वो यहीं पर हैं आई टेल यू मी नाउ अभी तो मैं यूमी को बुलाती हूँ शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और इसे पहले वॉश कर देगी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सिदाओ और हैना के अलावा उनके घर में उनके दो बच्चों के अलावा दो नौकर भी हैं जिसका जिसमें एक यूमी है एक फीमेल सर्वेंट है जूमी जो कि उनके बच्चों की मेड है उनके बच्चों का भी ध्यान रखती है सदाओ कंसिडर द मोमेंट लेट इट बी सो ही अग्रीड

कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था और बेहोश भी था तो उन्होंने उसके नब्स देखकर जानना चाहा। it was faint. काफी धीरे चल रही थी बट इट वॉज वो जीवित था अगेंस्ट द cold ब्रेस्ट तो फिर डॉक्टर सदाओ ने अपना हाथ उस आदमी की छाती पर रखा द हार्ट टू वॉज येट अलाइव दिल की धड़कन चेक की तो वो जिंदा था उन्हें यकीन हो गया कि वो जो प्रिजनर था वो अभी जीवित था

जो उनका डॉक्टर थे क्योंकि वो बींग डॉक्टर वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके सामने उनकी आंखों के सामने कोई जख्मी आदमी मर जाए क्योंकि हर डॉक्टर की ये एक उनकी सोच रहती है कि वो अपने हर पर अपने पेशेंट को बचा ले और दे ऑलवेज ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज टू सेव द पेशेंट ऐसे ही द सेम थिंग इज हैपनिंग विद डॉक्टर सडाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द मैन नॉट टू डाई बट ही इज ऑल्सो

डाउन ऑन दोशन लेस मैन और ऐसे ही वो बिना की और देखते रहे होगी जीवित है नहीं तो मर गया होता अब तक बट देन ही वॉज वेरी यंग पर हाँ ये बात भी थी कि वो काफी यंग था वेब्स नॉट जेट ट्वेंटी फाइव और इतनी कम उम्र थी उसकी शायद वो पच्चीस साल का भी नहीं था यू मीन डाय फ्रॉम द ऑपरेशन हैना आस्ड हैना ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि ऑपरेशन के बाद ये मर जाएगा सडाओ ने कहा ऑपरेशन की वजह से मर जाएगा अगर तुम ऑपरेशन नहीं करोगे तो तो सडाओ ने कहा कि हाँ ऐसा लगता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गोली नहीं निकाली तो ये मर ही जाएगा हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली हैना को उसकी डॉक्टर सडाओ की इस बात पर थोड़ा कम विश्वास हुआ एंड वेन शी डिड नॉट आंसर सडाओ टर्नड अवे और उसने कोई जवाब नहीं दिया हैना ने और सडाओ वहां से चले गए एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सेड और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड और सबसे पहला काम हमें यह करना है कि इसके जख्म को वॉश करना पड़ेगा ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम जल्दी से डॉक्टर सडाओ कमरे से बाहर आ गए और हैना भी पीछे पीछे आ गई डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट विद द वाइट मैन शी वॉज ही द फर्स्ट शी हैड बीन पीछे पीछे आ गई क्योंकि वो उस अमरीकी आदमी के साथ उस कमरे में अकेले नहीं रहना चाहती थी जब से हैना शादी करके जापान आ गई थी तो उन्होंने किसी अमरीकी व्यक्ति को तब से नहीं देखा था और अब जब देखा तो ये कौन था ये उनका एक दुश्मन था जो कि उनके लिए बहुत ही खतरा था वहां पर चाहे वो जीवित था या मरा हुआ दोनों ही सूरत में इट वॉज अ डेंजर फॉर देम शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल जूमी तो हैना ने जूमी को बुलाया बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली थ्री मंथ्स ओल्ड तो अब जब हैना ने युमी को आवाज लगाई तो बच्चों ने हैना की आवाज को सुन लिया अब हैना को अंदर जाना ही पड़ा वो मुस्कुराई और उनके साथ अपने छोटे बेटे के साथ वो खेलने लगी जो कि सिर्फ अभी तीन महीने का ही था ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी इमोशन विद हर माउथ और अपने चेहरे को अपने बच्चे के सॉफ्ट बालों पर वो आ, हिलाने लगी घुमाने लगी प्यार से बिकॉज ऑफ मदरली इन अफेक्शन थ मी और फिर से उन्होंने कहा हैना ने यूमी सीखी जूमी तुम मेरे साथ आओ आई विड जूमी रिप्लाइड ही इज रेडी और यूमी ने कहा हैना से कि आप बच्चे को मुझे दे दीजिए मैं इसे सुला देती हूँ और ये इसको नींद भी आ रही है शीवेंट विथ जूमी इंटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टोर्ड विद द बॉय इन अरार्म वाइल जूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिट्वीन दम शीवेंट विथ जूमी इंटू द बेडरूम तो हैना जो है वो जूमी के साथ बेडरूम में चली गई और उन्होंने बच्चे को पकड़े रखा और जुमी ने इतने में वहां पर क्विट्स वगैरह भी छाई और एंड लेट द बेबी बिटवीन देम और बच्चे को वहां पर सुला दिया देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट देयर मास्टर देम अब हैना जो है जल्दी से उस वहां से किचन की ओर आ गई जूमी के साथ अब को उसने बता दिया उस प्रिजनर के बारे में कि कैसे वो एक अमरीकी प्रिजनर उनके घर आ गया है और उसकी वो जो है देखभाल करने वाले हैं द टू सर्वेंट्स वर एट मास्टर हैड जस्ट सर्वेंट वॉटर अब दोनों ही नौकरों को पता चल चुका था सर्वेंट्स को मालूम हो गया था उस प्रिजनर के बारे में दोनों ही डर गए कि मालिक ने उन्हें किसके बारे में बताया था द ओल्ड गार्डनर अब जुमी के अलावा दूसरा नौकर कौन है यहाँ पर ओल्ड गार्डनर एक बूढ़ा माली भी था वहां पर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट

द वाइट मैन ऑट टू डाई इसी तो मर ही जाना चाहिए फर्स्ट ही वॉज शॉर्ट और अब देखो ना बूढ़े आदमी को पूरा उसके बारे में पता चल चुका था उस आदमी के बारे में तो बूढ़ा आदमी ने कहा कि ये, देखो पहले तो उसे गोली लगी देन द सी कॉट हिम फिर वो समुद्र में आकर फंस गया एंड वोटेड हिम विद रॉक्स और समुद्र की जो चट्टाने थी उसे टकरा कर उसको उसका खून भी बहा तो इफ द मास्टर हील्स वॉट द गन डेड एंड वॉट द सी डेड रिवेंज ऑन अस और अगर मालिक ने उसका इलाज कर दिया ना तो जो बंदूक की गोली उसे लगी और जैसे वो समुद्र में फंसा दो बार वो मुसीबत में फंसा है दो बार वो मरने की हालत में हुआ है तो अगर मालिक ने उसका इलाज कर दिया तो ये दोनों ही चीजें ये जो है ये हमसे बदला लेंगी इस लाइन में माय डियर चिल्ड्रन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो ओल्ड गार्डनर है ना माली वो सुपरस्टिशियस है वो यहाँ पर जिनको विश्वास होता है वो विश्वास करते हैं जिन्हें नहीं होता है वो उसे सुपरस्टिशियसनेस भी कहेंगे कि ऐसा लगता है कि उस अमेरिकन प्रिजनर की मौत आई थी जो वो दो बार जो है मरते मरते बचा था और तीसरी बार अब एक जो है इंसानियत में विश्वास रखने वाले डॉक्टर सडाओ के हाथ लग गया था वो तो अगर डॉक्टर सडाओ उसका इलाज कर देते तो जो पहले उसके साथ हुआ यानी जो मौत है वो निश्चित है जो मृत्यु है वो निश्चित है तो बूढ़े मालिक को लगता है कि इसको मरना है इसकी मौत आई है इसको तो मरना ही है ऐसा वो सोचता है आई विल टेल हिम व्हाट यू से हैना रिप्लाइड कोर्टियसली हैना ने बड़ी नरमी से जवाब देते हुए कहा कि बूढ़े माली से कि हाँ मैं ये आपकी बात जो है डॉक्टर सदाव से बता दूंगी बट शी Herself was also frightened although she was not superstitious as the old man was तो है ना भी अंदर से पहले ही डरी हुई थी उसको लेकर लेकिन हाँ यही तो है कि वो बूढ़े आदमी की तरह बूढ़े मालिक की तरह अंधविश्वासी नहीं थी uh, तो माय डियर चिल्ड्रन दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू रीड इट इन थ्री और फोर पार्ट्स में भी तो आज हम इस टॉपिक को इस uh, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं बाकी जो है आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टिल देन टेक केयर Goodbye. Thank you.